आपके अपने YouTube चैनल विथ माई गार्डन में। दोस्तों अभी आपको पता है कि बारिश का मौसम है वो स्टार्ट हो गया है, और दोस्तों ये प्लांट है वो रेन लिली का प्लांट है। और इस मौसम में वैसे तो दोस्तों तकरीबन मई मंथ से इसकी जो काउंटडाउन है या तो फ्लावरिंग और बनने के जो चांसेस है वो मई मंथ से स्टार्ट हो जाते हैं, और ये लगातार फिर बारिश के सीज़न में एक फ्लावर जाने के बाद दूसरा फ्लावर, ऐसी एक साइकिल है वो चलती रहती है लगातार। और ये रेन लिली के प्लांट में अभी ब्लूमिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। वैसे दोस्तों ये बहुत ही छोटे गमले में मैंने शायद कुछ समय पहले ही मैंने इस गमले में ये प्लांट को ग्रो किया है। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा बल्ब पड़े थे तो उससे, और भी मेरे पास कुछ कलर्स में इसके प्लांट है तो वो बड़े पॉट में है, और ये छोटा पॉट है दोस्तों और प्लास्टिक का पॉट है। इसकी थोड़ी आपको मैं जानकारी दूँ तो, यदि आप बिगनर हो दोस्तों तो प्लास्टिक के पॉट में खास करके, ये प्लांट ऐसा प्लांट है जिसमें ज़्यादातर वाटर है वो स्टेबल नहीं रहना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम है वो प्लास्टिक के गमले में बहुत ही अच्छी रखे, बहुत ज़्यादा वाटरिंग से कोई भी बल्ब का प्लांट हो दोस्तों तो दिक्कत आ सकती है, रूट वगैरह गल सकते हैं, इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग भी नहीं बनेगी। मिट्टी है वो रिच मिट्टी का ही प्रयोग कीजिए, मतलब ये है कि अच्छी खासी पानी ड्रेनेज हो जाए, गार्डन सॉइल उसके साथ बालू प्रकार की या तो वो अवेलेबल नहीं है दोस्तों तो थोड़ी रेत वाली भुरभुरी मिट्टी है उसका मिश्रण तैयार कर दीजिए हल्की फुल्की। आप स्टार्ट में यदि बल्ब ग्रो कर रहे हो तो खाद भी डाल सकते हैं, काउडंग वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल है। कंपलसरी इस प्लांट के लिए कोई स्पेशल खाद वैसे नहीं है। अच्छे फ्लावर बनाने के लिए दोस्तों इसके लिए आप NPK है, DAP है, इस तरह की जो सीजनेबल में आप थोड़े बहुत प्रयोग करोगे तो फ्लावरिंग है वो ज़्यादा बनेंगे, अदरवाइज कंपलसरी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मौसम के लिहाज से ज़्यादातर फ्लावरिंग है वो इसमें बनती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें कई कलर में भी इसकी वेराइटी देखने को मिलती है। कॉमन और रनिंग जो फ्लावर के कलर होते हैं वो येलो, पिंक, इसके अलावा वाइट, तो इसकी वेराइटी है वो रनिंग आपको देखने को मिलेगी नर्सरी से या तो ऑनलाइन भी बहुत ही कम दाम के साथ ये मिल जाएगा। इसमें दोस्तों कुछ मल्टी कलर में भी मिलती है, ड्यूअल कलर में भी मिलती है, शायद उसके प्राइस है वो ज़्यादा इस कलर के बजाय उस मल्टी कलर के प्राइस है वो ज़्यादा हो गए, तो उस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। इसमें कलर की वेराइटी आपको मिल जाएगी दोस्तों। इसको धूप छाव की बात करो तो बहुत ही ज़्यादा धूप में इसे ना रखें, आप सेमी शेडी एरिया में रख सकते हो इस प्लांट को, हल्की फुल्की जहाँ धूप आती हो। बहुत तेज धूप से दोस्तों खास करके गर्मियों का सीज़न होता है तो ये प्लांट सर्वाइव करता है, लेकिन इसके पत्ते वगैरह सूखने लगते हैं तो इस प्लांट को दिक्कत आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे रेनी सीजन के बाद ये फिर से हरा भरा और हेल्थी प्लांट बन जाता है। दोस्तों इसमें जैसे अच्छे फ्लावर लगे हैं तो मैंने आपको दिखाया, तो इस फ्लावर के बाद दोस्तों जाने के बाद इसमें सीड भी बन जाएंगे, तो ये प्लांट बल्ब के साथ सीड से भी ग्रो हो जाता है दोस्तों। सीड की प्रक्रिया है वो तकरीबन 20-25 या 30 दिन में कंप्लीट इसके मैच्योर सीड है वो बन जाते हैं, और इसका ग्रोइंग पीरियड है वो दोस्तों आप मई से जुलाई तक कभी भी इसे ग्रो कर सकते हो। फर्टिलाइज़र में जैसे मैंने कहा कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही प्रयोग कीजिए, काउडंग वर्मी कंपोस्ट या तो NPK, DAP, फॉस्फोरस वाली जो खादें होती है फ्लावरिंग के लिए बेस्ट होती है। ज़्यादातर ऋतु में दोस्तों इसमें कोई पेस्ट अटैक नहीं बनता है, पर कभी आपको ऐसा लगे दोस्तों तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो। तो मेरे प्लांट में अभी तक ऐसी कोई डिसीज नहीं मैंने देखे है दोस्तों, तो ज़्यादातर कोई मौसम में दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें दोस्तों गुड़ाई का बहुत ही ज़्यादा चांस नहीं रहता है, क्योंकि इसमें एक बल्ब ग्रो किया हो दोस्तों तो फिर एक आध साल में मल्टी बल्ब इसमें अपने आप हो जाते हैं। तो आप थोड़ी मिट्टी दोस्तों ऐसी रखें स्पेस हो तो, कि इसमें दोस्तों एयर है वो बना रहे, बहुत चिकनी मिट्टी का प्रयोग ना करें। और दोस्तों इसमें कोई ज़्यादा मेंटेनेंस वाला प्लान नहीं है, ये एक बार सर्वाइव कर लिया गार्डन में तो लगातार बल्ब और सीड है इसमें प्रोड्यूस होते रहेंगे और नए नए प्लांट है वो इसमें बनते रहेंगे। आई होप दोस्तों के आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप भी अपने गार्डन में रेन लिली का प्लांट जरूरी नहीं होगा तो ग्रो करोगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो जरूरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, ऐसी कुछ नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।